नमस्कार, स्वागत है आपका ईएनएन भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बीते मंगलवार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के चुनावों में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव के नाम शामिल थे। कांग्रेस ने तो बीजेपी की इस लिस्ट का मजाक तक बनाया था और कहा था कि बीजेपी हार की डर की वजह से अब केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार रही है। वहीं कांग्रेस ने इस लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ना होने पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ इस तरह से ही कदम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उठा सकती है। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान में साफ कर दिया है कि वह यहां पर बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के ही चुनाव में उतरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगे जाएंगे। ऐसे में बहुत अधिक संभावना है कि राजस्थान में भी बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही चुनावी उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। अब राजस्थान में बड़े नेताओं में बीजेपी के किस नेता का नाम उम्मीदवारों की सूची में आ सकता है, वो हम आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो राजस्थान से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजसंबंध से सांसद दिया कुमारी और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि इस बार सीएम फेस के बिना ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीतने के बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे। वहीं बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो बीते काफ़ी दिनों से वो पार्टी से कुछ नाराज दिख रही हैं। तभी तो वो कुछ परिवर्तन यात्राओं में दिखी और कुछ में नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे में वो शामिल तो हुई, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों से इग्नोरेंस ही मिली। इन सब के बीच अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर पर नज़र डाली जाए तो माना जा रहा है कि अगर बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए बीजेपी को ना सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लड़ना होगा, बल्कि पार्टी की अंदरूनी कलह से भी निपटना होगा, क्योंकि बीते कई दिनों से भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। कैलाश मेघवाल ने जहां अर्जुन राम मेघवाल पर गंभीर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे, तो वहीं दूसरी ओर 6 बार से भाजपा विधायक रह चुकी पार्टी के दिग्गज नेता सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद से ही सूर्यकांता व्यास और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करेगी और क्या बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़वा कर बीजेपी इन राज्यों में जीत हासिल कर पाएगी? वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।